भारत विकास परिषद मसूरी इकाई द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में किया गया, जिसमें सिविल जज नेहा कुशवाहा मसूरी नगर के उपस्थित नागरिकों को संविधान के अनुरूप अपने अधिकारों व कर्तव्यों के अनुसार कार्य करने व विभिन्न निःशुल्क विधिक राय प्राप्त करने संबंधी जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि भारत विकास परिषद समय समय पर जन जागरूकता हेतु इस प्रकार के कार्यों को करते हैं। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण सहित राष्ट्रीयता से जुड़े सभी कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो वहीं कोविड-19 के चलते जो बच्चे ड्रॉप आउट हो गए हैं, उन्हें पुनः विद्यालय में प्रवेश करवाने हेतु शुल्क की व्यवस्था भी की जा रही है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि पर्पज़ यही है कि घर घर न्याय, जैसा हम लोग का टैगलाइन है, तो उसके लिए ये सारी सुविधाएं जारी की गई हैं। अभी इसमें जैसे ही इनिशिएटिव लिया जाएगा, जैसे ही शुरुआत होगी, वैसे ही आपको प्रोग्रेस इसके बारे में अपडेट की जाएगी। आज मसूरी में इस साक्षरता शिविर में मैंने जनता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के कार्यों के बारे में बताया। मैंने लोगों को विधिक जो उनकी राइट्स हैं उनके बारे में जागरूक किया, उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया। और मेरा यहाँ आने का पर्पज़ ये था कि जैसे कि मसूरी मेन देहरादून से करीब 40 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर विभिन्न जगह से लोग आए हुए थे, तो दूर दूर तक जो हमारा मोटिव होता है कि घर घर तक कानूनी जानकारी पहुँचाना, वो आज मेरी इस प्रयास से मैं उम्मीद करती हूँ कि पहुँची। और आज का मेन मुद्दा ये था कि कैसे हम लोगों ने ये व्यवस्था आम जनता के लिए बनाई है कि उन्हें किसी प्रकार की कोई विधिक सहायता चाहिए और अगर वो एलिजिबल हैं जैसा कि मानक में दिया गया है, तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में से संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनता के लिए मैंने आज उनको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो मैं आपके माध्यम से और आगे देना चाहती हूँ कि 11 सितंबर 2021 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा जिला देहरादून में नेशनल लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो भी जनता है, अगर किसी के मामले ऐसे जो सुलह समझौता के आधार पर विधिक रूप से निस्तारित किए जा सकते हैं, वे चाहें तो मामला सुलझा सकते हैं, सुलह समझौता के आधार पर अपना निस्तारण करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त इस लोक अदालत की खूबसूरती यही है कि यदि सिविल मामले पेंडिंग है न्यायालय में और उसमें सुलह समझौता होता है, तो उसमें कोर्ट फीस वापस होती है, या किसी भी मामले में अगर सुलह समझौता होता है विधिक तौर से, तो उसमें उस मामले की अपील नहीं होती, वो फाइनल जजमेंट होता है एक तरीके से। तो जनता को इससे यह फ़ायदा है कि एक तो उनका समय बचता है और साथ ही जो कोर्ट में आने जाने से परेशानी होती है या फिर उनके जो खर्चे होते हैं वो सब बचते हैं। तो जनता से अपील है कि वो इसका लाभ उठाए और अगर वो अपने मामलों में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करवाना चाहते हैं, तो वो दो तरीके से, अगर मामले पेंडिंग है तो संबंधित कोर्ट में जाके, और अगर प्री लिटिगेशन के माध्यम से कराना चाहते हैं तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून में अपना मामला भेजकर, एक एप्लीकेशन भेजकर करवा सकते हैं।